पूरे देश में गुस्सा है, शोक है और कहीं ना कहीं इस गुस्से का अब हिंदुस्तान बदला चाहता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दी, नोएडा से पुलवामा हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है। नोएडा में गुस्साए लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। गौर सिटी चौक पर लोगों ने निकाला पैदल मार्च, पाकिस्तान का पुतला फूका, पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, पाक को विश्व के नक्शे से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन किए गए तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जिस तरीके से एक बड़ा आतंकी हमला पुलवामा में हमने देखा और नोएडा में भी इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर पाकिस्तान को नक्शे से बाहर निकालने की अपील कर रहे हैं लोग, रोष व्यक्त कर रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का पुतला फूका गया। सड़कों पर उतर आए हैं लोग, हमने अपने जवानों को खोया है, 37 जवान हमारे शहीद हो गए। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत में एक बार फिर से कामयाब हो गया। वाकई अब बदला चाहिए हिंदुस्तान को और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। लोग घरों से अब सड़कों में आ गए हैं, बस बहुत हो चुका, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है। और तस्वीरें देखिए, इंसानियत का मुद्दा है। इस्लाम कहता है अगर एक इंसान को मार रहे हो तो इंसानियत का वसूल किया गया है, हमारे घरों को उजाड़ा गया है। हम भारत सरकार से मुतालबा करते हैं कि जो ट्रूप फंड जनता की तरफ से कि इन हमारे सिपाहियों की कुर्बानी का बदला सख्त सख्त ले। हम नहीं लगता कि देश पर आक्रमण है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश पे आक्रमण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तुरंत निर्णय लेना चाहिए पाकिस्तान पर हमला करने का। तो आपने देखा तमाम लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, सभी का यही मानना है कि कहिए क्या कहना चाहते हैं। ये जो घटना पाकिस्तान जो घटी है आजादी के बाद, यह सबसे बड़ी घटना है जो बहुत निंदनीय है, जो बहुत शर्मसार करने वाली है। बल्कि ये हमारे फौजियों पर हमला नहीं है, हमारे पूरे मुल्क पर हमला किया गया है। इसका भारत सरकार को बिल्कुल फैसला लेना चाहिए ताकि पूरे दुनिया से जो है दहशतगर्दी खत्म हो जाए। और जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, इसी तरीके से मजलूम लोग मारे जाएंगे। और हम मजलूमों के कई जो लोग मारे गए हैं, मीडिया में खबर देखने के बाद हमारी आंखें नम हो जा रही है, किस तरीके से घर उजाड़ा गया है। ये कहीं पर भी मसूद अजहर को मुसलमान कहना नहीं चाहिए, वो कहीं से भी मुसलमान नहीं है, बल्कि वो इसे शैतान है। और शैतान की हम मजम्मत करते हैं इस अमल की, भारत सरकार से गुजारिश करते हैं पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए। ये एक सेना पे हमला नहीं है, पूरे भारत पे हमला है। और इस पर अगर कदम नहीं उठाया गया तो आगे और नुकसान हो सकता है। और इसमें जितने आतंकवाद है, आतंकवादियों को पूरे जड़ से सफाया होना चाहिए। और कश्मीर हमारा था, हमारा है और कयामत तक हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या नाम है आपका? शब्बीर अहमद। मुल्क पर हमला है, हमारे सिपाहियों पर, हमारे फौजियों पर हमला है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसलिए ये निहत्थों पर जुल्म जो किया जा रहा है, निहत्थों का जो घर जाना गया है, इसके लिए हम निंदा करते हैं। और ये किसी एक का नहीं, इंसानियत शर्मसार हुई है। और हम फिर आज मस्जिद जाफरिया से नमाज से जुमा पढ़ करके हमने संदेश देने का भी जिंदाबाद। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है बयां कर रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान की एकता बोल रही है। शब्द बस यही है कि अब पाकिस्तान होश में आ जाओ। और वहीं तीन तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है, पक्ष में या विपक्ष में। हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें, इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है
जिस तरह की साजिश रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी हल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, ऐसी हर साजिश कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है, और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा।